क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। बाढ़ के राजेंद्र सेतु का मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इसके परिचालक के नए नियम तय किए गए हैं। अगर आपको राजेंद्र सेतु से यात्रा करनी है तो आपके लिए खबर बेहद महत्वपूर्ण है। कंपनी के प्रशासनिक पदाधिकारी नागेंद्र राय ने बताया कि जिलाधिकारी पटना के निर्देशानुसार मरम्मती कार्य के लिए राजेंद्र सेतु रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह के परिचालक की अनुमति नहीं होगी। हालांकि कंपनी ने समय से पहले ही मरम्मत पूरा कर लेने का दावा किया है। राजेंद्र सेतु बीती रात से उसको काम हम लोग चालू कर दिए हैं, मरम्मती का कार्य, और बीती रात से हम लोग ट्रैफिक को वन वे कर दिए हैं। उसमें रात में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पूर्णतः यातायात बंद रहेगा और सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वन वे ट्रैफिक चलेगा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शायरी माता, वैकुंडवा माता समेत तमाम देवी के मंदिरों में भारी भीड़ में महिलाएं पूजा अर्चना के लिए पहुंची। रामनवमी के दिन ऐसे कई मंदिर है जहां भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। बिहार की दूसरी वैष्णव देवी के नाम से विख्यात रामनगर प्रखंड अंतर्गत टाइटेनिक पर्वत शिखर पर विराजमान माँ कालिका सोमेश्वर धाम में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग श्रद्धालु बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम लोकनायक श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। वे एक ऐसे राजा के रूप में समझें या ईश्वर के रूप में समझें, ऐसा चरित्र दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। राम एक चरित्र का नाम है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ये एक आदर्श पिता थे, एक आदर्श भाई थे, एक आदर्श पुत्र थे। इस तरह का व्यक्ति महापुरुष या शासक हैं। उन्होंने साम्यवाद और लोकतंत्र, राजतंत्र में इन तीनों का जो समन्वय। पूर्व राज्यपाल माननीय निखिल कुमार गया पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वो पूर्व सांसद स्वर्गीय रणजीत सिंह के निवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मिले। परिवार से मिलकर उन्होंने सांत्वना देकर धैर्य रखने का साहस दिए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रणजीत जन प्रिय नेता थे। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव, युगल किशोर सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गया में रामनवमी केंद्रीय कमेटी के द्वारा बैरागी रोड स्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि पूरा गया गया जी की शोभा यात्रा को देखेगा। पूरे बिहार में सबसे बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन गया जी में आयोजित होगा। इसको लेकर समिति की ओर से तैयारी जोर शोर से पूरी हो रही है। गया शहर भगमामय हो गया है। बिहार का पहला 6 लेन पुल पर दोनों तरफ से झंडा पताका लगाया गया है, जो आकर्षक दिख रहा है। इसके अलावा
शहर को सजा दिया गया है और केंद्रीय कमेटी के कार्य अध्यक्ष क्षितिज मोहन सिंह ने बताया कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी शोभा यात्रा रामनवमी शोभा यात्रा का अद्भुत दृश्य कल गया जी में आयोजित किया जा रहा है। सभी राम भक्तों को हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि कोई भी नशीले पदार्थ या उपयोग करके शोभा यात्रा में शामिल नहीं होंगे। श्री रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्मोत्सव पर 1990 से गया जी में प्रारंभ हुआ और लगातार भव्य शोभा यात्रा मेरा गया शहर में यानी बिहार का नंबर वन शोभा यात्रा होते चला जा रहा है। हमारा तैयारी ईश्वर पूर्णतः गया शहर को भगवामय करने का था, जो भगवामय की ओर चला गया, जो भी रूट था सभी भगवाकरण की ओर हो गया। और इस बार जो है पहला तो रूट के संबंध में जानकारी दे दूं कि आजाद पार्क से प्रारंभ हो करके नई गोदाम, मिर्सफायत रोड, मुरारपुर, काली स्थान, खैरात अहमद रोड, दवा मंडी, टिकारी रोड, बाटा मोड़, सराजपुरी रोड, ढोलकिया गली, केपी रोड, कोतवाली, जीबी रोड, पीर मंसूर रोड, कोयरीबारी, नादरागंज, टिल्हा धर्मशाला, नवागढ़ी, चांदचौरा होते हुए विष्णुपद मंदिर की प्रांगण में समापन होगा, जहां हमारे राम भक्तों का भव्य भंडारा चलेगा। इस बार विशेष करके हम लोग वहां पर राम महोत्सव का कार्यक्रम करने जा रहे हैं आजाद पार्क के चौराहे गेट पर। वहां पर विधिवत मंच बनाकर जितने राम भक्त वहां पर आएंगे सबको पहले हम लोग वहां पर स्वागत करेंगे, चंदन लगाएंगे, आरती करेंगे, प्रसाद देंगे, वहाँ पट्टा से स्वागत करेंगे और हम लोग राम महोत्सव का उत्साह बनाएंगे। यह इस बार पहली बार कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। पूर्व में आज 5-6 साल पहले वहाँ पर राम महोत्सव कार्यक्रम करते थे, लेकिन इस बार भी हम लोग बेहतर से बेहतर वहाँ पर राम महोत्सव के माध्यम से सभी राम भक्तों को स्वागत का एक बहुत बड़ी योजना यहाँ पर है और विधिवत वहाँ व्यवस्थित हम लोग सब चलाएंगे। मुझे लगता है कि यह उत्साह पूरा भरा शहर सब स्वीकार कर लेगा। जनता को आह्वान करने के लिए आए हैं, रामनवमी पूजा की भव्यता को आप स्वीकार करें और जब झंडा निकले तो आप स्वागत के लिए जो है सड़क पर आए, मोहल्ला में अपना स्वागत करें। इसके लिए आज हम लोग जो है प्रेस के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं। दूसरी चीज, पूरी झंडा 106 झंडा का जो है वो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है, 101 का ही था लेकिन इस बार जो है वो झंडा बढ़ा है। पिछले बार जो है कमा था कोरोना के चलते, लेकिन इस बार जो है झंडा और बढ़ा है। दूसरी चीज है कि इस बार शहर में प्रमुखता से लोगों के उत्साह। गया में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह प्रदर्शन किया। सभी कांग्रेसजन हाथों में काला बिल्ला बांधकर सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे। इस संबंध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के विरोध में एक दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना है कि जब तक जेपीसी का गठन नहीं किया जा सकता तब तक कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्ष दल संसद से सड़क तक आवाज बुलंद करते रहेंगे। मोतिहारी में माता राधिका देवी मेमोरियल सेवा संस्थान के द्वारा संचालित महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह हॉस्पिटल में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा निरीक्षण किया गया। 2014 से यह अस्पताल मोतिहारी के लोगों के लिए सेवा देता आ रहा है, जिसमें अभी तक लाखों लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जा चुका है। अब अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सहयोग से मोतियाबिंद ग्लूकोमा, तिरछी आंख, बच्चों के मोतियाबिंद ऑपरेशन, गर्भवती महिलाओं के लिए फूड सप्लीमेंट देने के आयोजन पर कार्य शुरू किया गया। इस अस्पताल के द्वारा गांव-गांव में आंख जांच कैंप का आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व में हिंदुत्व का पताका लहराने और वेद विज्ञान को स्थापित करने के उद्देश्य और संकल्प के साथ मोतिहारी में आर्य समाज ने अपना 57वां वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वज पूजन और मंगलाचरण के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुआ, जिसमें बिहार के कोने कोने से आए सैकड़ों आर्य समाजियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर का भ्रमण किया और लोगों को आर्य समाज से रूबरू करवाया। शोभा यात्रा में जहां सैकड़ों आर्य समाजियों ने हिस्सा लिया, वहीं इस शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े व कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुति आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रही। प्रातःकालीन सत्र में
सत्र में हवन यज्ञ प्रवचन उपदेश होते हैं, फिर दोपहर के सत्र में विभिन्न विषयों पर, सामाजिक विषयों पर विद्वानों के विचार होते हैं, और फिर सायंकालीन सत्र में, तीन सत्रों में कार्यक्रम होता है, और सायंकालीन सत्र में भी विद्वानों के प्रवचन अनेक बिंदुओं पर होते हैं, और फिर उपदेश वगैरह होते हैं, फिर यो जो हमारा गायन के माध्यम से, जो भजन उपदेश इत्यादि के माध्यम से वेदों का संदेश आम लोगों तक प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है। यह हम लोग का 97वां वार्षिकोत्सव है, जो हम लोग हर साल की भांति मनाते हैं इसको प्रत्येक साल, और इसमें हमारा वेद पर पूरा आधारित रहता है। इसमें हवन यज्ञ या आर्य समाज मोतिहारी 97वां वार्षिकोत्सव मना रहा जा रहा है। इस बार क्या खास है, किस उद्देश्य के तहत इस बार आप लोग? खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां ठोस एवं तरल अपशिष्ट कचरा प्रबंधन को सीखने के लिए सारण, वैशाली और शिवहर के 49 अधिकारियों का दल विशुनपुर नगरी पंचायत पहुंचा। टीम ने स्थानीय लोगों से मिलकर गांव को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों को बारीकी से समझा, और उन्होंने पूरे गांव में घूम घूम कर यह देखा कि किस तरह से स्वयंसेवी घर घर जाकर सूखे और पूरे कचरे को एकत्रित करते हैं। अधिकारियों ने राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी की पहल की काफी प्रशंसा की। यहाँ पे जैसे घर घर से कचरा उठाओ, पहले जो वो हमारा होता है वो लोग देखे हैं, उसके बाद घर घर से कचरा उठाओ होता है वो देखे हैं, और कचरा कैसे सेग्रीगेशन होता है यहाँ पे वो चीज देख रहे हैं, देखे हैं, और जब पब्लिक से लोग फीडबैक भी लिया है कि यहाँ पे कैसे होता है स्वच्छता शुल्क जो कटता है उसका रसीद वगैरह भी ये लोग देखे हैं, ये लोग काफी सराहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है इन लोगों के बीच? इन लोगों का फीडबैक तो काफी अच्छा है, ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ नया चीज कुछ कुछ देखने को, जैसे हम डस्टबिन जो डलवाए हैं कम्युनिटी डस्टबिन, वो चीज देख के लोग काफी इम्प्रेस हुए हैं कि ये चीज अच्छा है, ये चीज नया हमको देखने को मिला है। कैसा फील हुआ यहाँ पे? जैसे मैं विगत 2007 से ही स्वच्छता कार्यक्रम को मैं देख रहा हूँ एज ए जिला समन्वयक, और 2007 से विभिन्न स्टेटों में मैं गया हूँ इसी सब काम को देखने के लिए। तो आज हम लोग दूसरे जगह जाते थे देखने के लिए कि दूसरे राज्य में कि क्या उस तरह के सभी शौचालय का इस्तेमाल होता है, कहीं सूखे कचरा, गीला कचरा, चाहे जो परिदृश्य साफ नजर आता है, तो सभी पैमाना पर जो बागनगरी पंचायत है आपके सकरा ब्लॉक के मुजफ्फरपुर जिले का, सभी में खरा उतरता है। मुझे यहाँ बहुत कुछ बहुत अच्छा लगा, कुछ चीज़ें बहुत नई थी देखकर, मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैं भी अपने सारण में जाकर अपने ब्लॉक में अच्छा अच्छा करूँगी। जो वर्षा का जल जो होता है उसका जो संचय हुआ है वहाँ, मतलब सकरा वादी में हम देखें, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक यहाँ पे पाइप सिस्टम से जो था फूलों को, मतलब डालकर उसका कंपोस्ट पिट में उसको खाद के रूप में, वो भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ का गांव बहुत साफ़ सुथरा है, ये बहुत अच्छा लगा। मुखिया जी बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब लोगों के लिए। और दूसरी बात ये होती है कि जब तक ग्रामीण खुद से जागरूक होकर सहयोग नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो पाता है। तीन जिले से वहाँ के प्रखंड विकास प्राधिकारी, प्रखंड समन्वयक और जिला समन्वयक जो हैं SLWM के तहत जो तीन जिलों में कार्यरत हो रहा है, तो उसके तहत जो है सेक्रेटरी सर के माध्यम से राहुल सर का पत्र निकला था, और जैसा कि आप लोग याद है कि अपने यहाँ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग का प्रथम स्थान है बिहार में, यहाँ का ट्रेनिंग सेंटर जो है वह स्टेट लेवल का है, तो ये लोग ये सीखने आए हैं कि किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर हम लोग अच्छा। पूरे देश में रामनवमी की धूम है, वहीं मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न जगहों पर रामनवमी पर्व को लेकर जुलूस का आयोजन किया गया, जबकि पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी देखने को मिल रही है। शहर के सिकंदरपुर स्टेडियम से लोगों ने झांकी निकाली, झांकी में कहीं भगवान राम तो कहीं महादेव तो कहीं भारत माता दिख रही थी। इस दौरान पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली। जुलूस कहाँ से निकली है? ये सिकंदरपुर निकलेगा सीरी घाट से भैया। कहाँ पर कितने लोग जनसंख्या है? ये हम लोग का लाखों की संख्या से ऊपर है भैया जी, हर साल की भांति इस साल भी राजीनगर गुजरात जी बोल रहा। प्रशासन ने कहा क्या सहयोग? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सहयोग उनके वजह से हम लोग। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।
आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार शरीफ मुख्यालय में आए दिन चोरी की घटना घट रही है, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। नालंदा में एक बार फिर से बदमाशों ने ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया। गनीमत रही कि मेन लॉकर नहीं खोल सके, जिसके बाद सजावट के रूप में कांच के बॉक्स के अंदर रखे चांदी की छोटी छोटी मूर्तियां बदमाश चुरा कर फरार हो गए। कांच तोड़ते वक्त बदमाश जख्मी भी हुआ है, क्योंकि खून के धब्बे बेड और कांच के बॉक्स पर लगे हुए मिले। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी में एक बदमाश दुकान के अंदर चोरी करता हुआ दिख रहा है। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाश की पहचान में जुट गई है। बजे रात्रि में चोरी हुई हमारी दुकान में। अच्छा, बिजली खंडक पर है, पूजा ज्वेलर्स के नाम से रजिस्टर्ड है। अच्छा, आप लोग को सूचना कैसे मिली? जब हम लोग सुबह बाहर निकले दूध लाने के लिए घर से बाहर, तो देखे कि दरवाजा टूटा हुआ है। तो हम लोग को आशंका हुआ, तो खोल के देखे तो सारा सामान बिखरा। नालंदा में भारतीय जनता पार्टी के बिहार शरीफ विधानसभा के बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि रामनवमी के दिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक अनोखा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रामनवमी के दिन बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट स्थित पुराने मंदिर के प्रांगण में 51 फीट का ध्वजारोहण किया जाएगा। इस ध्वजारोहण के दौरान धनेश्वर घाट स्थित पुराने मंदिर को बिहार शरीफ के लोगों के मदद से मंदिर के जुड़ो उद्धार को लेकर एक दृढ़ संकल्प लेंगे। बिहार शरीफ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे द्वारा एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम हर साल एक अपने पुराने मंदिर के प्रांगण में धर्म ध्वज फहराएंगे और एक संकल्प लेंगे कि बिहार शरीफ के लोगों के सहयोग से उस मंदिर को उत्कृष्ट बना देंगे। नालंदा में राम नवमी और विराट शोभा यात्रा को लेकर बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से नालंदा जिला अधिकारी शशांक शुभंकर, पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा की अगुवाई में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। यह फ्लैग मार्च बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर समाप्त हुआ। इस दौरान नालंदा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों ने संयुक्त रूप से कहा कि विराट शोभा यात्रा के दिन पूरे शहर में ड्रोन कैमरे की मदद से असामाजिक तत्व के ऊपर पैनी नजर रखी जाएगी। फ्लैग मार्च आज करा रहे हैं ताकि रूट भी एक बार सत्यापन हो जाएगा और शांति के लिए, विधि व्यवस्था के लिए लोगों को एक संदेश भी जाएगा, इसके लिए फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। साथ ही सभी विभाग के जो पदाधिकारी हैं, नगर निगम के, बिजली विभाग के, वो भी पूरा रूट देख लेंगे और जो कमी होगी उसको दूरी करने के लिए कार्रवाई करेंगे। सर, संवेदनशील जगहों पर क्या? हर जगह मजिस्ट्रेट और फोर्स का डेपुटेशन किया गया है और संवेदनशील जगहों पर अलग से भी डेपुटेशन किया गया है। उसके साथ साथ जुलूस को भी एस्कॉर्ट करने के लिए उसके आगे पीछे और दोनों साइड भी पुलिस बल और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई और ड्रोन से भी इस पर नज़र रखा जाएगा। इस पर देखिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, अभी ऑफिसर्स की ब्रीफिंग हुई है कुछ देर पहले। कल परसों हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा और पूरी कोशिश रहेगी कि रामनवमी का जो पर्व है वो शांतिपूर्वक निकले और सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं यही कहना चाहिए। सभी जगहों पर बल रहेगा, ऑफिसर्स रहेंगे, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रखा जाएगा, जहाँ कमी रहेगी किसी प्रकार से जो है वो कमी नहीं रहेगी। जो भी असामाजिक तत्व हैं, अगर उन्होंने कानून को हाथ में लिया तो सख्त कार्रवाई की।
नालंदा के हरनौत प्रखंड क्षेत्र के चेरड़ गांव के निवासी रवि कुणाल कुमार के 18 महीने का बच्चा रिहांसु कुमार गोचर नाम की बीमारी से ग्रसित है। परिजनों ने बताया कि काफी जगह इलाज कराने के बाद पटना पीएमसीएच में जांच के दौरान पता चला कि बच्चे को गोचर की बीमारी है। बच्चे के दादा अरविंद पासवान ने बताया कि परिवार का भरण पोषण रिक्शा चलाकर करते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनका इलाज कराने में परेशानी हो रही है। परिजनों ने बच्चे को इलाज कराने को लेकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बच्चा को बिहार में प्राइवेट में भी दिखाए, पटना में भी दिखाए, नहीं सुधार हुआ सर। तो लास्ट में हम पीएमसीएच में गए, उसके बाद वहां से रिपोर्ट आया सर गोचर बीमारी का। तो इस वजह से हम गए सांसद महोदय के पास, वहां एप्लीकेशन लगवाए सर। फिर पीएमसीएच वहां गए, क्या नाम, न्यू सचिवालय भवन गए सर। फिर वहाँ एप्लीकेशन लगाए, वहाँ फिर सांसद महोदय से गए बात करने के लिए। तो सांसद महोदय कहे कि बच्चा के जो प्राइवेट है ठीक है। बिहार विधान परिषद चुनाव 2023 के लिए चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसके मतदान की प्रक्रिया 31 मार्च को सभी जिले के प्रखंड कार्यालय परिसर में सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। इसकी जानकारी देते हुए कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सहयोग उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि 14 जिलों को मिलाकर एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें कुल 157 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 17,623 शिक्षक अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। 13 तारीख को हमने नामांकन दाखिल किया और 31 मार्च को मतदान है। हमारे कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 14 जिले के जो हमारे शिक्षक हैं, उनकी आशा उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमने नामांकन किया है। हमारे नियोजित जो शिक्षक हैं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, उनके राजकर्मी के दर्जे के लिए, उनके पेंशन के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए हम नामांकन हमने किया है। और जो हमारे वित्तरहित शिक्षक हैं, वितरहित माध्यमिक, वितरहित इंटर कॉलेज और वितरहित डिग्री कॉलेज, उनके अधिग्रहण के लिए, उनके घाटानुदान के लिए हम मैदान में हैं। उसके अलावे जो हमारे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक हैं, महाविद्यालय में जो अतिथि शिक्षक हैं, उनके सेवा नियमितीकरण के लिए हम मैदान में हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं बीपीएससी से जो हमारे साथी आए हैं, उनके पीएचडी इंक्रीमेंट के लिए, और जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उनके स्वसमय प्रोन्नति के लिए और सेवांत लाभ स्वसमय मिले, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। सहरसा जिला के 70 कटैया प्रखंड में बना माध्यमिक विद्यालय में कई तरह की दिक्कतों की बातें सामने आई हैं। विद्यालय के प्रचार विशुन देव कुमार ने बताया कि हमारा विद्यालय मुख्य सड़क के किनारे खुले मैदान में बना है। इस विद्यालय में तकरीबन 900 से ज्यादा छात्र और छात्राएं पढ़ती हैं। ऐसे में चारों तरफ से खुला रहने के कारण बहुत सारी बातों का डर बना रहता है। साल 2021 में ही विद्यालय में चार दीवारी, मुख्य द्वार पर गेट और अन्य समस्याओं को लेकर मुखिया सहित संबंधित विभाग को कई आवेदन दिया, लेकिन अभी तक इस विद्यालय की तस्वीर नहीं बदली। विद्यालय 2008 में जो है मध्य विद्यालय बना, 2020 में जो है उच्च विद्यालय बना, उच्च माध्यमिक विद्यालय। इस विद्यालय में जो है 951 बच्चा नामांकित है, नियमित उपस्थिति जो है 450 से 550 के बीच रहती है। विद्यालय प्रांगण जो है पूरा खुला हुआ है, सुबह को जो है चेतना सत्र में कठिनाई होती है, भैंस का गोबर जो है साफ करके जो है चेतना सत्र का आयोजन करना पड़ता है, शौचालय साफ नहीं रह पाता है। सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में दो चचेरे भाइयों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने तेजाब से हमला कर कुल 9 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जिनका इलाज सुपौल जिला के अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस घटना में दोनों पक्षों से लोग घायल हुए हैं। तेजाब कांड की घटना इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरे पास बर्निंग का केस आया है, वो अननोन लिक्विड है लेकिन जला हुआ ब्लैक मार्क है, मल्टीपल पोजिशन पर। हम अपना इनिशियल ट्रीटमेंट किए हैं, जिसमें से 9 टोटल है, इसमें 3 बच्चा भी है और 7 को मैंने रेफर किया, 2 बच्चा को छोड़ कर। 7 रेफर है, तेजाब हमला का मामला है क्या? ये तो हम अभी कन्फर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जला हुआ है लेकिन मल्टीपुल है। तो 7 को रेफर कर दे, लिक्विड वाला है, ये लिक्विड।
किया। रेफर कितने को किया? तो 7 लोग किया। बच्चे को रेफर नहीं किया? 2 को बहुत कम है इसलिए यहाँ ठीक हो जाएगा। तो बच्चे की संख्या कितनी बताए? 3 है टोटल। बक्सर नगर के कोइरपुरवा के समीप राजकीय अंबेडकर छात्रावास के पीछे एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक की मौत किन कारणों से हुई है। मौके पर भारी मात्रा में सिरिंज प्रतिबंधी दवाओ की खाली शीशियां फेंकी हुई मिली है। ऐसे में पुलिस यह अंदाजा लगा रही है कि युवक नशे का आदी रहा होगा और संभवतः इसी के कारण उसकी जान चली गई। उधर युवक के नाक से खून आया दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि नशे की हालत में ही उसकी हत्या कर दी गई है। एक बच्चा है, उसका सागर नाम है, उसका बड़ा भाई है, जुमन जुमन बोला जाता है, जुमन ठाकुर, वही पहचाना है कि मेरे घर नशा उसे करता था। का युवा घर पे नहीं रहता था, बहुत कम इधर उधर ही घूमते रहता था और नशा में ही लिप्त। बिहार थाना क्षेत्र इलाके के बिहार शरीफ सदर अस्पताल परिसर में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके शव को बिहार शरीफ सदर अस्पताल के दीवार में बने लोहे की रॉड से लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या का दिखे। घटना के संबंध में मृतक के भाई ने बताया कि अभय कुमार का बिहार शरीफ सदर अस्पताल में ही पोस्टमार्टम करने वाले प्रेम कुमार और अन्य लड़कों से कुछ दिन पूर्व किसी बात को लेकर मारपीट की घटना घटी थी। उसी वक्त इन युवकों के द्वारा अभय कुमार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। धमकी देने के कुछ दिनों उपरांत ही इन युवकों के द्वारा युवक अभय कुमार की गला दबाकर हत्या कर उसके शव को फांसी के फंदे लटका दिया। फिलहाल मामले को लेकर सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि मामले की हर बिंदु पर जांच हो रही है। इस संबंध में जानकारी मिली, उसका शव है यहाँ, परंतु इनके परिजन के द्वारा बताया गया कि गमछी से जो बाउंड्री वॉल में जो ग्रिल है उससे लटका हुआ था शव। सूचना मिलते ही हम लोग आए हैं, उनके परिजन से पूछताछ कर रहे हैं। तो संदिग्ध लोगों का नाम लोगों ने बताया, उसे हिरासत में लिया गया। तत्काल हम लोग जो आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं सभी बिंदुओं पर हम लोग। अभी के लिए बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए Prime TV के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर